शायद अब ऑडिबल होना चाहिए शायद अब ऑडिबल होना चाहिए लाइन कहां से आ रही है अच्छा ओके okay. चलो तो हम लोग लूड मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं नाउ वी आर एट बेसिक थर्मोडाइनामिक्स कैन आई क्विट यू प्लीज एक सेकेंड देना मुझे हाँ तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पिछले सेशन में मैंने आपको टारगेट दिए थे कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस और, और आइडियल गैस मॉडल आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इंक्लूडिंग फ्लो ये करके आएंगे ठीक है मार्गदर्शन और सक्षम बैचेस अभी अभी स्टार्ट हुए मार्गदर्शन बैच में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं यहां पर नंबर है जिस पर आप सारी डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिवली And correctly represents isothermal lines on PV diagram of a pure substance, which of the following qualitatively correctly represents isothermal lines on PV diagram of a pure substance. In say consa. विच ऑफ द्वालिटेटिवली एंड करेक्टली रिप्रेजेंट आइसोथर्मल लाइन्स इनमें से कौन सा आइसोथर्मल लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा ये हमें बताना है तो आप सभी अवेयर है ऑलरेडी नहीं है वो जान लेट इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता देता हूं जितनी भी लाइन्स और ये सब हो सकती हैं पीवी डायग्राम पर जाहिर सी बात है कि कांस्टेंट प्रेशर लाइंस आपको ऐसी दिखेंगी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस आपको ऐसी दिखेंगी व्हाट अबाउट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस? अब आप सोच के आई मीन I mean इस चीज को विजुअलाइज करने की प्रैक्टिकली कोशिश करो रटो मत आप इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो दैट अगर किसी आ, कंटेनर में रखे हुए सर्टेन वेपर या सर्टेन लिक्विड का भी वेपर को समझना ज्यादा आसान है तो वेपर से समझ लो आप कि कोई वेपर है एक सर्टेन मास ऑफ वेपर है किसी कंटेनर में रखा हुआ है और उसका आप धीरे 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 आइसोथर्मली आइसोथर्मली कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हुए धीरे 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 प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा अगर आप किसी कंटेनर में किसी पिस्टन सिलेंडर में कंटेन सर्टेन वेपर मास को का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द प्रेशर कंटिन्यूसली अगर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये कंप्रेस होता जाएगा और कंप्रेस होता जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा जाहिर सी बात है मींस अगर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग एक आइसोथर्मल लाइन पे तो वॉल्यूम में कमी होने लगेगी एज द वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस द एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीजेस तो लाइन ऐसी जानी चाहिए चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैसियस सब्सटेंस हो ठीक है लिक्विड्स के केस में हम कह सकते हैं कि प्रेशर में इंक्रीज़ ज़्यादा दिखेगा और करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में होने वाला डिक्रीज़ बहुत कम दिखेगा वॉल्यूम में डिक्रीज बहुत कम दिखेगा और प्रेशर में आप कितना इंक्रीज कर लो तो वॉल्यूम में बहुत कम इंक्रीज़ होगा वहीं जब गैसियस फेज में हो आप वेपर फेज में हो तो वॉल्यूम में एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा प्रेशर में थोड़ा भी चेंज करने के बाद क्योंकि वेपर कंप्रेस हो जाएगी इजीली लेकिन जब आप लिक्विड के पास आ जाओगे कम वॉल्यूम्स पे एग्जिस्ट करता है ना लिक्विड लिक्विड तो काफी कम वॉल्यूम्स पर एग्जिस्ट करता है तो वहां बहुत ज्यादा चेंज आपको वाई एक्सिस पर देखना होगा x-axis पर छोटे से चेंजेस भी देखने के लिए टू सी वेरी स्मॉल चेंजेस अलोंग एक्स axis यू विल हैव टू सी बिग चेंजेस अलोंग y-axis तो आपको प्रेशर में काफी चेंज करना पड़ेगा तब जाकर कहीं आपको वॉल्यूम में छोटा सा डिक्रीज दिखेगा जब आप लिक्विड की बात करेंगे जो कि बहुत कम वॉल्यूम पे ऑक्यूपाइ रहता है बट जब आप वेपर की बात करेंगे जो कि ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम पर रहता है तब थोड़ा फ्लैट होगा मतलब प्रेशर में आप थोड़ा भी इंक्रीज करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में आपको ठीक ठाक डिक्रीज दिखेगा वो वेपर कंप्रेस होती हुई नजर आएगी क्लियर तो दैट मीन्स एक आइसोथर्मल लाइन ऐसी दिखनी चाहिए जो थोड़ी फ्लैट हो वेपर वाले रीजियन में लेकिन लिक्विड वाले रीजियन में वो थोड़ी सी वर्टिकल टाइप की होनी चाहिए और इसलिए एक आइसोथर्मल लाइन इसलिए एक आइसोथर्मल लाइन विल गो लाइक दिस ऐसा एंड देन यहां फ्लैट एंड देन लाइक दिस ऐसा ऐसा एंड देन यहां फ्लैट देन लाइक दिस ऐसा देन यार फ्लैट इन देन लाइक दिस तो ये वाला मैच करता हुआ है दिख रहा है आपको दिस पार्ट इज मैचिंग हर चीज को अगर आप शांत दिमाग से आराम से स्टडी तरीके से सोचेंगे तो लॉजिकल लॉजिकल आंसर आपको मिलेगा ओके मूविंग ऑन द नेक्स्ट यहां फिलहाल बी करेक्ट है एक रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर को कब अप्रोच करती है अभी पिछला क्वेश्चन जो आपने देखा है दोस्तों इसी पिछले क्वेश्चन से ही हम आ, वैसे ये एक लिक्विड वेपर के लिए हमने डिस्कस किया लेकिन लिक्विड वेपर के लिए डिस्कस की गई इस पूरी बात में पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल लाइन हमें ऐसी दिखती है पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल लाइन हमें ऐसी दिखती है पीवी डायग्राम पे आइसोथर्मल लाइन हमें ऐसी दिखती है अब आइसोथर्मल लाइन क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड जाएंगे तो सीधे एक स्ट्रेट दिखने लगेगा क्योंकि उसमें लेटेंट हीटिंग वाला हॉरिजॉन्टल पार्ट मिसिंग होगा पहले तो हम जब वेपर की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये फ्लैट दिखेगी जब लिक्विड पार्ट की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये वेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड पार्ट देन वी आर लिटिल वर्टिकल लेकिन ये चीज जब आप क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड जाओगे तो कंटिन्यूस लाइन होगी बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो आपको नहीं दिखेगा और ये सारी की सारी आइसोथर्मल लाइंस हैं। ऑल दीज आर आइसोथर्मल लाइंस आइसोथर्मल लाइंस आइसोथर्मल लाइंस आइसोथर्मल लाइंस ये आइसोथर्मल लाइंस एकदम हाइपरबोलिक नजर आती हैं, जहां जब प्रेशर ज्यादा है जब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है और जब वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है ट मींस ऑन आइसोथर्मल लाइन्स ऑन आइसोथर्मल लाइन्स वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रपोर्शनल हैं और हम लोग लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इस समय कॉन्स्टेंट है आ, याद रखना ये कांस्टेंट टेम्परेचर का फंक्शन होगा ये जो कांस्टेंट है ये टेम्परेचर का फंक्शन होगा क्यों ये कांस्टेंट टेम्परेचर का फंक्शन क्यों होगा क्योंकि एक गिवन आइसोथर्मल लाइन के लिए एक कांस्टेंट दूसरी गिवन आइसोथर्मल लाइन के लिए दूसरा कांस्टेंट तीसरी गिवन आइसोथर्मल लाइन के लिए तीसरा कांस्टेंट। सो दिस कांस्टेंट विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर केल्विन स्केल पर अगर टेम्परेचर को लिया जाए तो ये एक लीनियर फंक्शन आता है एंड अल्टीमेटली आइडियल गैस बिहेवियर मिलता है तो इस तरह से आइडियल गैस बिहेवियर इवॉल्व होता है लेकिन इस एग्जैक्ट बिहेवियर को वेपर फॉलो नहीं करती हमेशा इस एग्जैक्ट बिहेवियर को हमेशा एग्जैक्ट फॉलो नहीं करती हंड्रेड परसेंट मैच नहीं होता हंड्रेड परसेंट मैच या एक्यूरेटली ये फॉलो तभी करती हुई पाई जाती है दोस्तों जब या तो मतलब बेसिकली बहुत कम डेंसिटी पर जब वेपर एग्जिस्ट कर रही हो तब पाया गया है कि ये रिलेशन को वो एग्जैक्टली exactly फॉलो करता है वेपर का बिहेवियर सुपर हीटेड वेपर प्योर सब्सटेंस की सुपर हीटेड वेपर इस तरह के बिहेवियर को फॉलो करती हुई एग्जैक्ट फॉलो करती हुई पाई गई है जब वो काफी कम डेंसिटी पर एग्जिस्ट करे कम डेंसिटी पर एग्जिस्ट करना मतलब या तो बहुत कम प्रेशर पर एग्जिस्ट कर रही हो या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रही हो ओके दिस बिहेवियर इज फॉलोड बाई सुपर हीटेड वेपर ऑफ प्योर सब्सटेंसिस ओनली एट वेरी स्मॉल डेंसिटी वैल्यूज एंड वेरी स्मॉल डेंसिटी आप खुद सोचो ना स्मॉलिटी कब एग्जिस्ट करेगा स्मॉल तब exist करेगा जब या तो प्रेशर बहुत कम हो इतना कम प्रेशर है कि molecules पास पास आ ही नहीं रहे हैं आराम से दूर दूर बैठे हुए हैं या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मोलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे और उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो दिस बिहेवियर इज फॉलोड ओनली एट वेरी लो डेंसिटी दिस बिहेवियर इज ओबेड और फॉलोड एट वेरी लो डेंसिटी वैल्यूज ये बिहेवियर बहुत कम डेंसिटी वैल्यूज पर फॉलो होता है एंड कम डेंसिटी कब होगी जब प्रेशर अगर डेंसिटी कम आप ढूंढ रहे हो तो कम डेंसिटी आपको कब मिलेगी दोस्तों कम डेंसिटी आपको तब मिलेगी जब प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली हाइयर देन क्रिटिकल प्रेशर या लोअर प्रेशर कम होना चाहिए सो प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली लेस देन क्रिटिकल प्रेशर यानी वन क्यू एक्स वन क्यू एक्स वन क्यू एक्स और टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंटली हाइयर क्योंकि लो डेंसिटी आपको तभी मिलेगी जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हो सब्सटेंस जब वो ज्यादा टेम्परेचर पर हो तो टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज हाइयर दैन

उससे एक वैक्यूम पंप अटैच कर दिया हमने इस तरह से कि वैक्यूम पंप जो है वो क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड से एयर को बाहर निकाल रहा है उस रिजिड चैम्बर से श्यूमिंग टेम्परेचर नॉट टू चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस एयर प्रेशर इनसाइड चैंबर आफ्टर टाइम टी वुड बी वॉट एयर प्रेशर टाइम टी के बाद क्या होगा टी टाइम के बाद क्या होगा सो so, एक रिजिड चैम्बर है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और उसका वॉल्यूम गिवन है बी और इसमें इनिशियल प्रेशर गिवन है दोस्तों इनिशियल प्रेशर इज नॉन इनिशियल प्रेशर इज पी एंड यहां पर हमने एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है उस वैक्यूम पंप का काम है हेयर वी आर पुटिंग अ वैक्यूम पंप दैट वैक्यूम पंप हैज गॉट द जॉब ऑफ पंपिंग एयर आउट एट द रेट ऑफ क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब हमें वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है टी टाइम के बाद प्रेशर क्या होगा यह हमें बताना है इसमें हम लोग लॉ ऑफ मास यूज करेंगे लॉ ऑफ मास कहता है मास फ्लोरेट आया किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में आने वाला मास फ्लोरेट या तो दो जगह जाएगा या तो उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर थोड़ा बहुत बाहर भी जा सकता है तो ये आया और फिर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता है जो भी आने वाला मैंने आपको कई बार बताया है ये कि जितने भी चाहे वो लॉ ऑफ मास हो लॉ ऑफ एनर्जी हो लॉ ऑफ मोमेंटम हो या लॉ ऑफ एंट्रोपी हो उसको समझना बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अकाउंट बैंक में खोले हुए अकाउंट को समझना या एक बाल्टी में भरे हुए पानी को समझना दैट बाल्टी में अगर आप पानी डाल रहे हो तो या तो वो पानी कहां जाएगा बाल्टी के पानी के लेवल को बढ़ाएगा बाल्टी में पानी धीरे 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 ऊपर आता जाएगा या फिर हो सकता है अगर बाल्टी में कोई होल है तो वहां से थोड़ा बहुत बाहर भी जाएगा एक अकाउंट में अगर आपने सौ रुपए डाले तो हो सकता है बीस रुपए उसका अकाउंट बैलेंस बढ़ाने में यूज हो और हो सकता है अस्सी रुपए आपने यूज कर लिए आ, मसाला डोसा खाने के लिए है ना तो यहां फिलहाल हमारे पास किसी भी तरह का कोई इनफ्लो नहीं है यहां फिलहाल हमारे पास किसी भी तरह का कोई इनफ्लो नहीं है देर इज नो इनफ्लो बट अगर आप देखो तो इस क्योंकि इससे आप लगातार एयर को बाहर पंप आउट कर रहे हो इसलिए जाहिर सी बात है कंटेनर की एयर कंटेनर में जो एयर है उसके मास में चेंज तो हो रहा है कंटिन्यूसली और ऑफ कोर्स ये बाहर भी जा रहा है मास फ्लो रेट को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट एक एयर को बाय डिफॉल्ट हम लोग आइडियल गैस की तरह से ट्रीट करने वाले हैं ये आप नोट कर लो वैसे ई एस आर ओ या बी ए आर सी या गेट जैसे एग्जाम्स में मेंशन ही होगा लेकिन ना मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट याद रख लो एयर को आइडियल गैस ट्रीट करने वाले हो आप कूल तो आइडियल गैस अगर ट्रीट करने वाले हो तो आप लिख सकते हो पी टी मतलब किसी भी टी टाइम पर प्रेशर की वैल्यू इंटू वी इज इक्वल टू एम आर टी पी वी इज इक्वल टू एम आर टी सो वहां से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी समय कंटेनर के अंदर एयर का मास और वो हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी जीरो इज इक्वल टू डी बाई डी टी एंड देन पी जनरल इंटू वी अपॉन आर टी और वहां से आप देखो तो एम अपॉन वी डेंसिटी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एम अपॉन वी किसी भी समय एम अपॉन वी वी कैन रिप्लेस डेंसिटी बाई अपॉन वी और वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू हमें गिवन ही है वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू गिवन है वहां से हम एम अपॉन वी को फिर से लिख सकते हैं पी अपॉन आर टी सो so, हमें मिलेगा डी बाई डी टी प्रेशर जनरल टाइम पर किसी रैंडम टाइम पर प्रेशर की वैल्यू और एमअपॉन वी को हम लोग यहां से लिख सकते हैं पी अपॉन आर टी मल्टीप्लाइड बाई डिस्चार्ज या वॉल्यूम फ्लोरेट क्योंकि क्वेश्चन कहता है इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और रिजिड चैंबर का वॉल्यूम तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता इसलिए हमें मिलेगा ऐसा कुछ आर टी और आर टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डी पी बाई डी टी प्लस इंटू Q डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू जीरो जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा Q बाई वी मल्टीप्लाइड विथ टी वॉल्यूम को ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लेट्स रिप्रेजेंट वॉल्यूम लाइक दिस अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं यहां भी हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं डी को हम लोग इस तरफ लेकर गए हैं तो जीरो से लेकर टी तक और यहां प्रेशर पी से लेकर पी फाइनल तक नाउ यू कैन इंटीग्रेट ये हो जाएगा लॉग पी पी से लेकर पी फाइनल तक और इस तरफ आपके पास है माइनस बाई वी इंटू टी यहां से आपको मिल जाएगा p फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल एंड e पावर माइनस क्यू बाई वी इंटू टी और इस तरह से हमें मिलता है पहला ऑप्शन करेक्ट सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन तो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर बेस्ड है मास कंजर्वेशन हमने यूज किया आइडियल गैस का मॉडल यूज किया और अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि किस तरह से प्रेशर टी टाइम पर किस तरह से हम प्रेशर को एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है दो कंटेनर्स वाल्व के थ्रू कनेक्टेड हैं ए और बी कंटेनर ए का टोटल वॉल्यूम है वन मीटर क्यूब और उसमें वाटर कंटेंट है 200 किलो पास्कल पर और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें गिवन है 0.4 मीटर क्यूब पर किलोग्राम कंटेनर बी में 2.5 किलोग्राम वाटर प्रेजेंट है वो भी 200 किलो पास्कल पर है और उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है 60 परसेंट अब वॉल्व को आपने ओपन किया और दोनों ही आ, कंटेनर्स का कंटेंट मिक्स हो गया आपस में और एक फाइनल कॉमन स्टेट पर आ गया तो आपको बताना है कि क्वालिटी ऑफ फाइनल कंटेंट क्या होगा फाइनल कंटेंट की क्वालिटी या ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा वट विल बी द ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ द फाइनल कंटेंट देखो ये एक नॉन फ्लो प्रोसेस में मिक्सिंग का एग्जाम्पल है फ्लो प्रोसेस में मिक्सिंग का एग्जाम्पल आसान होता है नॉन फ्लो प्रोसेस है और मिक्सिंग का एग्जाम्पल है अब इसको कैसे करेंगे हम लोग यहां फिलहाल हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ मास दोनों से लॉ ऑफ मास यूज कर सकते हैं और उसके बाद लॉ ऑफ एनर्जी सो लेट्स यूज लॉ ऑफ मास लेट्स यूज लॉ ऑफ मास ओके लॉ ऑफ मास क्या कहता है लॉ ऑफ मास कहता है दैट मास फ्लोरेट इन मास फ्लोरेट इन कहां-कहां जाएगा सिस्टम के टोटल मास में चेंज करेगा प्लस थोड़ा बहुत बाहर भी जा सकता है अब फ्रेंकली स्पीकिंग यहां ना तो कोई इनफ्लो है और ना कोई आउटफ्लो है इसलिए आप लिख सकते हैं डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डीएम बाई डी टी ऑफ द सिस्टम इज जीरो डीएम बाई डी टी ऑफ द सिस्टम इज जीरो आप लिख सकते हैं सिस्टम का डेल्टा एम जीरो सिस्टम का डेल्टा एम जीरो दैट मीन्स सिस्टम का टोटल मास में होने वाला चेंज जीरो पहले मास रहा होगा एम ए प्लस एम बी एंड फाइनली मास हो चुका होगा एम टोटल तो ये जीरो आप हंसोगे इस बात पर क्योंकि ये इतनी कॉमन सेंसिकल बात हमने कान घुमाकर पकड़ा लेकिन मैं सिर्फ आपको प्रोसेस की इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाना चाहता हूं मैं सिर्फ आपको अपने सेटअप की इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाना चाहता हूं दैट ये बात आप सीधे सीधे भी लिखते तो समझ में आ जाती कि भाई ए और बी दोनों मिक्स हो रहे हैं तो टोटल मास हो जाएगा एम ए प्लस एम बी लेकिन इस बात को हमने प्रॉपर प्रोसीजर प्रोटोकॉल फॉलो करके हासिल किया क्योंकि और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जहां आपकी फीलिंग या आपकी इंट्यूशन आपको आंसर तक नहीं पहुंचाएगी प्रोटोकॉल पहुंचाएगा प्रोसीजर पहुंचाएगा तो ये तो हमें पहले मिल गया लॉ ऑफ मास अब हम आते हैं लॉ ऑफ एनर्जी पर नाउ वी गो टू लॉ ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ एनर्जी कहता है दैट जो भी वर्क के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में एनर्जी का इनफ्लो हुआ हो वर्क या हीट के फॉर्म में एनर्जी का जो भी इनफ्लो हो वो दो जगह जाएगा एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा और दूसरा सिस्टम से हो सकता है बाहर भी फ्लो करे तो एक तो सिस्टम में जो भी वर्क या हीट के फॉर्म में एनर्जी का इनफ्लो हो रहा है वो दो जगह जाएगा या तो सिस्टम की अपनी एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा या फिर जो सिस्टम की अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ाने में जाएगा वो बाहर जाएगा एक रूम में पांच लोग एंटर करेंगे तो रूम में लोगों की संख्या बढ़ेगी या तो या फिर तीन लोग बाहर चले जाएंगे तो पांच एंटर किए दो की संख्या बढ़ी और तीन बाहर चले गए फाइव इज इक्वल टू तो टू प्लस थ्री तो कुछ बहुत इसमें से सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हो सकता है और जो नहीं यूटिलाइज होगा वो कहां जाएगा वो जाएगा बाहर यहां क्योंकि इनकी आपस में मिक्सिंग हो रही है इसलिए क्योंकि इनकी आपस में मिक्सिंग हो रही है इसलिए किसी भी तरह का एनर्जी का बाहर से ना तो इनफ्लो है और ना ही एनर्जी का आउटफ्लो है जब आप प्रोसीजर प्रोटोकॉल सिस्टम फॉलो करते हुए किसी चीज को अप्रोच करते हो यकीन मानो मेरा कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपके सामने सरेंडर करेगा कैसा भी भारी भरकम प्रॉब्लम हो वो आपके सामने सरेंडर करेगा तो यहां से हमें मिल गया डी यू ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो दैट मींस डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो फाइनली जो भी टोटल यू है वो फाइनल लेकिन इनिशियली हमारे पास यू ए और यू बी दो हुआ करते थे इज इक्वल टू जीरो सो अपन लिख सकते हैं U टोटल बराबर यू ए प्लस यू बी क्योंकि हमें टेबल में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो किलोजूल पर किलोग्राम में है इसलिए इसलिए हम अगर उसके टर्म्स में लिखना चाहें तो हमें एम से मल्टीप्लाई करना होगा एम टोटल स्मॉल यू टोटल इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी याद रखना ये स्मॉल यू स्मॉल यू स्मॉल यू है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्योंकि ए की स्टेट हमें मालूम है एक ही स्टेट हमें मालूम है वेट अ मोमन पीपुल तो कुछ चीजें जो हमें पहले से मालूम है क्यों ना हम उनको पहले नोट डाउन कर ले एंड देन विल द अनोन थिंग्स। बट सर हमें तो सिंपली फाइनल कॉन्टेंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा गया है तो वो आप तभी पता कर पाओगे जब फाइनल स्टेट फिक्स कर पाओ और फाइनल स्टेट फिक्स करने के लिए आपको लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स यूज करने होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मेरे प्यारे दोस्तों चलो एम टोटल को तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एम ए प्लस एम बी से जो हमने लॉ ऑफ मास से ऑलरेडी स्टैब्लिश किया था सो so, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम ए प्लस एम बी मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी टोटल बराबर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी एक बढ़िया क्वेश्चन है ये जिसे आप आराम से शांत दिमाग से अप्रोच करें और इस एक क्वेश्चन के थ्रू आप मल्टीपल 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 कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे आपने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रिवाइज किया आपने लॉ ऑफ एनर्जी रिवाइज किया नॉन फ्लो प्रोसेसेस या क्लोज्ड सिस्टम के लिए और दोस्तों वही नहीं आपने अभी आप सर्टेन फर्दर चीजें देखने वाले हो एम हमें पता है 2.5 किलोग्राम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो हमें भी हमें पता है टू पॉइंट फाइव किलोग्राम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एम ए भी हमें पता है वन अपॉन जीरो पॉइंट फोर क्योंकि क्योंकि मास को हम लोग लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम सो एम ए वी कैन कैलकुलेट वन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फोर यहां भी एम ए हमें पता है वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फोर यू ए कैलकुलेट करने के लिए यू बी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिक्सटी परसेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन सो यू बी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यू बी वी कैन कैलकुलेट यू बी वैल्यू इज गोइंग टू बिकम यू बी वैल्यू इज गोइंग टू बिकम टू हंड्रेड किलो पासकल पर है सो वी हैव यू एफ एंड यू एफ जी सो दैट विल बिकम फाइव जीरो प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विद टू जीरो टू फाइव पॉइंट जीरो टू एंड दैट एक्स वैल्यू इज जीरो पॉइंट सिक्स यूबी आ गया यू बी मिल गया हमें अब यू भी मिल गया तो यू ए हमारे लिए एक चैलेंज बचा एक मिनट में कैलकुलेटर लेकर आता हूं समझते रहो अच्छे से क्योंकि ये एक बढ़िया हाँ प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे फाइव जीरो प्लस इन टू टू जीरो जीरो टू वन सेवन वन नाइन पॉइंट फोर एट टू वन सेवन वन नाइन पॉइंट फोर एट चलो यूबीबी पता चल गया कितना है वो वन सेवन वन नाइन अब अगर फाइनल स्टेट को फिक्स करना है अब अगर फाइनल स्टेट को फिक्स करना है 200 हंड्रेड किलो पर फाइनल इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी तो फाइनल स्टेट फिक्स हो जाएगी फाइनल स्टेट को फिक्स करना है तो आपको यू ए टारगेट करना होगा यू ए कैसे टारगेट करेंगे यूए कैसे टारगेट करेंगे देखते हैं यू ए को भी मैं लिख सकता हूं क्योंकि वो भी 200 किलो पास्कल पर है कंटेनर ए में भी जो वाटर कंटेन्ड है वो 200 किलो पास्कल पर है तो यूए कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 504.47 प्लस X multiplied with 2025.02 अब इसमें कुछ लोग एक जेन्युइन डाउट रेज करेंगे कि सर बार में ये लेंथ रहेगी क्या क्वेश्चन की नहीं रहेगी लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चंस करें तो समझने की कोशिश करें कि उसके थ्रू आपको एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मिल रही है क्लियर तो <laughs> सिर्फ लेंथ से ही नहीं क्वेश्चंस को जज करें कि उसके थ्रू आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम गिवन है हमें और इसीलिए वॉल्यूम का वॉल्यूम का भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली कैसे 0.4 पॉइंट फोर माइनस वी एफ अपॉन वी एफ जी एक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी लिख लेंगे एंड कंटेनर ए का v गिवेन है 0.4 पॉइंट फोर वी एफ हमारे पास है जीरो पॉइंट डबल जीरो पॉइंट डबल एट फोर सिक्स सेवन यहां से आपको एक्स ए मिल जाएगा और एक्स ए की वैल्यू होगी कितनी पॉइंट फोर माइनस पॉइंट डबल जीरो वन जीरो सिक्स वन डिवाइडेड बाई पॉइंट फोर माइनस पॉइंट डबल जीरो वन जीरो सिक्स वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट एट एट फोर सिक्स सेवन पॉइंट फोर फाइव जीरो नाइन पॉइंट फोर फाइव जीरो नाइन सो ये हमें पता है वॉल्यूम की जानकारी से हमने कंटेनर ए में जो वेपर कंटेंट थी उसका आ, उसका इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लिया Point four five zero nine into two zero two five point zero two plus five zero four point four seven. This comes down to be one four one seven point six five. One four one seven point six five. फाइनली हमारे पास मिक्स होने के बाद उन उस मिक्स चलो अब मान लो उन्होंने दोनों की क्वालिटी दे दी होती ये स्टेप की जरूरत ना पड़ती कंटेनर ए में भी मास दे दिया होता तो ये स्टेप की जरूरत भी नहीं पड़ती ठीक है एंड देन आपसे सीधे सीधे पूछ लिया होता मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी क्या होगी मिक्सचर की स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होगी तो वो कैलकुलेट करना इतना टाइम टेकिंग नहीं होता इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन से सीखने को आपको क्या मिल रहा है जज द क्वेश्चन बाय दैट अब हमें यहां से यू टोटल मिल जाएगा उस यू टोटल की मदद से हम फाइनल मिक्सचर की क्वालिटी कैलकुलेट कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट यू टोटल वी विल बी एबल टू कैलकुलेट एक बार फाइनल स्टेट फिक्स हो गई ना फिर तो आप फाइनल स्टेट पे कुछ भी कैलकुलेट करो वंस द फाइनल स्टेट हैज बीन फिक्स्ड यू कैलकुलेट एनीथिंग ओके सो वी हैव 2.5 पॉइंट फाइव इंटू प्लस टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय 5 टोटल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी फाइनल स्टेट में है पंद्रह सो अड़सठ सो अड़सठ स्टेट में टोटल इंटरनल एनर्जी है वन फाइव सिक्स एट पॉइंट फाइव सिक्स अब एक लाइन का भी काम नहीं है क्वालिटी कैलकुलेट करना क्वालिटी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास यू एफ है और यूएफ और यू जी का डिफरेंस भी है 200 सौ किलो पासकल पर यू एफ है और यूएफ और यू जी का डिफरेंस भी है और एक्चुअल इंटरनल एनर्जी आपके पास है क्वालिटी कैलकुलेट कर ले U को लिख दो यू एफ प्लस एक्स इंटू यू एफ जी राइट दैट यू एज यू एफ प्लस एक्स इंटू यू एफ जी चलो करो 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 फटाफट करो फटाफट कंप्लीट इट नाउ दिस टोटल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यू एफ प्लस एक्स टाइम्स यू एफ जी सो माइनस फाइव जीरो फोर पॉइंट फोर सेवन एंड डिवाइडेड बाय टू जीरो टू फाइव पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव टू फाइव फाइव एक्स की वैल्यू हमें मिलती है पॉइंट फाइव टू फाइव फाइव तो अगर मजा आया हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो ठोको लाइक अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके दिमाग के तार खुल गए हो मजा आया हो तो ठोको लाइक और अगर और मजा चाहिए पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो आ जाओ इस नंबर पे कांटेक्ट करो सारी डिटेल्स लो तसल्ली के साथ और मार्गदर्शन या सक्षम बैच के पार्ट बनकर आगे की जर्नी आगे की अपनी यात्रा शुरू करो एक आइडियल गैस तीन थर्मोडायनेमिक एक थर्मोडायनेमिक साइकिल को कंप्लीट कर रही है ए टू बी ए टू बी ए टू बी एंड देन बी टू सी एंड देन सी टू ए टू बी एडियाबेटिक है बी टू सी आइसोथर्मल है और सी टू ए सी टू ए आइसोकोरिक है ए टू बी एडियाबेटिक है बी टू सी आइसोथर्मल है और सी टू ए आइसोकोरिक है गामा की वैल्यू गिवन है 1.4 नेट वर्क डेवलप्ड ड्यूरिंग द साइकिल विल बी वॉक देखो एक आइडियल गैस है आइडियल गैस के लिए आपको वर्कडन के फॉर्मूलाज मालूम होंगे आइडियल गैस के लिए वर्कडन के फॉर्मूलाज मालूम होंगे तो नेट वर्क डेवलप्ड ड्यूरिंग द साइकिल हो जाएगा वर्कडन ड्यूरिंग ए टू बी प्लस वर्कडन ड्यूरिंग बी टू सी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग सी टू ए. ओके. नाउ, एक तरीका है कि आपको फॉर्मूलाज याद हो दूसरा तरीका है फॉर्मूलाज ना याद हो तब भी चलेगा हम फंडामेंटली अप्रोच कर सकेंगे ए टू बी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए वी ए माइनस PbVb वी बी डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन बी टू सी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट और लॉग फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम सी टू ए एक आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है पी ए नहीं गिवेन है उसे हमने पी डैस का नाम दे दिया वी ए गिवेन है और उसकी वैल्यू है वी पी बी मालूम है उसकी वैल्यू है पी और वी बी भी मालूम है उसकी वैल्यू है टू बी अपॉन गामा माइनस वन फिर से बी पर प्रेशर भी मालूम है और बी पर वॉल्यूम भी मालूम है B पर प्रेशर भी मालूम है और B पर वॉल्यूम भी मालूम है एंड C पर वॉल्यूम मालूम है और B पर भी वॉल्यूम मालूम है प्लस जीरो को बार बार रिपीट नहीं करना है तो हमें मिल जाएगा यहां से हम लोग V V कॉमन ले सकते हैं सो वी विल हैव पी डैस माइनस टू पी अपॉन वन पॉइंट फोर माइनस वन प्लस टू पी वी लॉग वन बाई टू टू पी वी लॉग वन बाई टू ना एक आप देखोगे अल्टीमेटली उन्होंने यही पूछा है कि आप बता दो सम समथिंग इनटू पीवी समथिंग इनटू पीवी समथिंग इनटू टू समथिंग इनटू पीवी के फॉर्म में हमें मिल चुकी हैं चीजें समथिंग इनटू पीवी के फॉर्म में मिल चुकी हैं बस डैश नहीं मालूम है डैश यहां पर जो प्रेशर है ए पर वो हमें नहीं मालूम है ए का प्रेशर हमें नहीं मालूम है तो ए का प्रेशर हमें कैसे भी करके कैलकुलेट करना होगा ठीक है चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो ए टू बी एडियाबैटिक है अगर ए टू बी एडिया है ए टू बी एडिया है तो हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं पी ए इंटू वी ए पावर गामा इज इक्वल टू पी बी इंटू वी बी पावर गामा और यहां से हमें पी ए मिल जाएगा पी बी जो कि है पी वी बी जो कि है टू वी पावर गामा डिवाइडेड बाई वी ए जो कि है वी पावर गामा तो ये मिल गया पी इंटू टू पावर गामा पी ए मिल चुका है पी ए की इस वैल्यू को हम लोग यहां सब्सिट्यूट करेंगे पी इंटू टू पावर गामा सो वी एंड देन दिस इज गोइंग टू बी पी इंटू टू पावर गामा माइनस टू पी उज्ज्वल दीप केसरी उज्ज्वल दीप केसरी यह नंबर पे मैसेज कर दो सिक्सटी डेज की वैलिडिटी बढ़ जाएगी यह नंबर पे मैसेज कर दो यह नंबर पे व्हाट्सएप कर दो व्हाट्सएप एट दिस नंबर सिक्सटी डेज प्रोग्राम में अगर आप एनरोल्ड हो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी ठीक है आई एम फेल्ड इन गेट कैन यू हेल्प मी कैसे हेल्प करूं आपकी अगर आपको कुछ काउंसलिंग चाहिए जिंदगी के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव चाहिए तो बिल्कुल आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं आप पहले इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें डायरेक्ट मिक्सिंग ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर नो नो इट कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट प्रेशर्स एज वेल पी इंटू टू पावर गामा माइनस टू पी एंड दिस इज गोइंग टू बिकम जीरो पॉइंट फोर एंड दिस इज टू लॉग वन बाई टू मल्टीप्लाइड विद पीवी अब हम पीवी को पूरी तरह से कॉमन ले सकते हैं टू पावर गामा माइनस टू डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फोर प्लस टू लॉग टू ने लॉग ऑफ जीरो पॉइंट फाइव इन टू पीवी एक प्रॉब्लम के थ्रू हमने आइसोकॉरिक एडियाबैटिक आइसोथर्मल सबके वर्क के फॉर्मलाज रिवाइज कर डाले विथ वन प्रॉब्लम वी हैव रिवाइज फॉर्मूलाज बिलोंगिंग टू थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस ओके चलो सो टू पावर वन टू Power 1.4 minus 2 divided by 0 0.4 plus 2 multiplied with log 0 0.5. This is going to be 0 0.211 something, 0 0.211 something. I am getting 0 0.21 something PV. मुझे लगता है क्लोजेस्ट आंसर जो है हमारे पास वो है थर्ड ऑप्शन द द द क्लोजेस्ट आंसर दैट वी हैव गॉट इज थर्ड ऑप्शन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन सैचुरेटेड लिक्विड वाटर एट 150 फिफ्टी किलो पासकल इन एन इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर अरेन्जमेंट इज स्टर्ड बाई अ पैडल व्हील टिल इट बिकम्स सैचुरेटेड वेपर कंप्लीटली The piston is free to move during the process so that pressure remains constant during the process. The net work interaction between water, which is the system, and surroundings during the process in kilojoule per kilogram is. Chalo. Saturated Liquid Water At one fifty kilopascal At one fifty kilopascal we have Saturated Liquid Water और इसको एक पैडल व्हील से हम स्टेरिंग कर रहे हैं इसकी मंथन कर रहे हैं इसका जैसे समुद्र मंथन किया जाता है ना ऐसा तब तक हम इसको स्टर करते रहते हैं स्टर करते रहते हैं स्टर करते रहते हैं तब तक इसको हम इसका समुद्र मंथन करते रहते हैं जब तक ये सैचुरेटेड लिक्विड वाटर सैचुरेटेड वेपर वाटर में ना बदल जाए तो दोस्तों इनिशियली अगर हम टीवी डायग्राम पे ट्रेस करें तो एक 150 फिफ्टी किलो पासकल की लाइन होगी इनिशियल स्टेट यहां है और फाइनल स्टेट यहां है तब तक हम इसकी स्टरिंग करते रहते हैं जब तक अच्छा क्वेश्चन कहता है कि पिस्टन मूव करने के लिए फ्री है इसलिए प्रेशर बिल्डअप नहीं होने पाएगा क्वेश्चन कहता है कि पिस्टन मूव करने के लिए प्री है इसलिए प्रेशर बिल्डअप नहीं होने पाएगा सो दैट प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस सो द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस आज से हम लोग इस सेशन को लाइव होने के बाद प्राइवेट करेंगे वाई बिकॉज लेट्स लेट्स कंटिन्यू विद ओनली सीरियस लर्नर्स है ना एंड आई वेरी सॉरी इसमें हम कुछ कर नहीं सकते अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बोलेंगे कि सर मेरा ऐसा है मजबूरी वैसा है मजबूरी लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब uh, कुछ लर्नर्स ही हैं जो सीरियस हैं बी uh, को लेकर तो क्यों ना उन सीरियस लर्नर्स को ही कैटर किया जाए एक फ्री सेशन एक फ्री कोर्स बनाकर हम क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करेंगे और उन क्वेश्चंस को रिलीजियसली करवाएंगे तो उसमें फिर अगर सीरियसली कोई करने को तैयार नहीं है उसमें कोई और मोटिवेशन नहीं है कोई पीस नहीं रखी गई है कुछ नहीं आप अनचल पर जाओ इसकी सेशंस की पीडीएफ आपको मिलेंगी सब कुछ बट लेट्स डू इट ओनली फॉर दोज आर रियली सीरियस अबाउट इट

पिस्टन मूव करके थोड़ी दूर जाएगा तो पी डेल्टा वी आप अगर आप अगर दूरी बनाओगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के साथ आप अगर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के साथ दूरी बनाओगे तो थर्मोडायनेमिक्स आपसे दूरी बनाएगी याद रखना लोग हमेशा हर चीज का फॉर्मूला रखना चाहते हैं जबकि थर्मोडाइनेमिक्स से दोस्ती करनी है तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट लॉ फ्लो प्रोसेसेस के लिए सेकेंड लॉ एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन एंड देन एनर्जी एक्सर्जी बैलेंस इक्वेशन जितने लॉ हैं थर्मोडाइनेमिक्स के उनसे दोस्ती करनी होगी दोस्तों आपको उनसे दोस्ती करनी होगी क्या है उनसे दोस्ती उनसे दोस्ती है क्यू आई आने वाली हीट प्लस डब्ल्यू आई कहां जाएगा कहां जाएगा आने वाला पूरा हीट और वर्क के फॉर्म में जो भी एनर्जी एंटर होगी वो जाएगा इसको सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाने में प्लस थोड़ा बहुत हो सकता है बाहर जाए लेकिन क्योंकि गिवन है कि ये पूरी तरह से एक इंसुलेटेड चैंबर है क्योंकि गिवन है कि ये पूरी तरह से एक इंसुलेटेड चैम्बर है इसलिए हीट के फॉर्म में एनर्जी का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो सकता है हीट के फॉर्म में एनर्जी का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो सकता है तो बहुत क्लियर है दैट हम नेटवर्क को सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा यू यहां आप वर्क डन का कोई फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करोगे पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन या इस तरह का कोई भी फॉर्मूला तो कुछ नहीं हो सकता तो अब आपको डब्ल्यू नेट लिखना है डेल्टा यू मजे की बात यह है कि क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आपको यू दे ही नहीं रहा है क्वेश्चन आपको एंथेल्पी दे रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जहां कांस्टेंट प्रेशर देखते हैं वहां उनको लगता है कि एंथेलपी डिफरेंस हमारे लिए सब कुछ दे देगा तो प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एंड इनफैक्ट अगर आप एंथैल्पी डिफरेंस कैलकुलेट करोगे एच जी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का तो भी हो सकता है मुझे लगता है कि एक ऑप्शन मैच करते हुए दिखना चाहिए सो so अगर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का एंथैल्पी डिफरेंस आप देखोगे तो भी हो सकता है कि आपको ये दिखना चाहिए एक ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए टू सिक्स नाइन थ्री पॉइंट फाइव फोर माइनस फोर डबल टू टू सिक्स टू टू सिक्स डबल टू टू सिक्स पॉइंट फोर सिक्स डबल टू टू सिक्स पॉइंट फोर सिक्स मतलब अगर आप डेल्टा एच से कैलकुलेट करते तो ये सही होता लेकिन ये एक ट्रैप है ये एक ट्रैप है एक्चुअली आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है गिवन नहीं है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम लोगों को पता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी तो यू को हम लोग लिख सकते हैं h माइनस पीबी इसलिए नेटवर्क इंटरक्शन कैलकुलेट करने के लिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल u final minus u initial, u final को हम लोग लिख सकते हैं h minus pv final or pv final और u initial को हम लोग लिख सकते हैं h minus pv initial, h minus pv initial and then we are going to have, then we are going to have h final हमारे पास है 2693.54 प्रेशर भी हमारे पास है 150 एंड वी फाइनल इज वन पॉइंट अब यही काम हमें इनिशियल के लिए करना है एच इनिशियल 467.08 सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो एट माइनस वन फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट डबल जीरो वन जीरो फाइव थ्री जीरो पॉइंट डबल जीरो वन जीरो फाइव थ्री चलो जी तो हम लोग अब ये कैलकुलेशन कर सकते हैं टू सिक्स नाइन थ्री पॉइंट फाइव फोर माइनस वन फिफ्टी इंटू वन पॉइंट वन फाइव नाइन डबल थ्री माइनस फोर सिक्सटी सेवन पॉइंट जीरो एट माइनस वन फिफ्टी इन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो फाइव थ्री दिस इज गोइंग टू बिकम टू जीरो फाइव टू टू जीरो फाइव टू पॉइंट सेवन टू और इसलिए करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन नहीं है करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर इज नॉट द सेकेंड ऑप्शन बट इट इज द थर्ड ऑप्शन चलो नेक्स्ट वन कंसिडर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय एन आइडियल गैस With constant specific heat capacity expanding quasi statically in a cylinder piston device, expansion takes place from a given volume V1 to a fixed volume V2. If Wp, Wt, Wn, Wgamma represent work done by gas corresponding to isobaric, isothermal, polytropic, and adiabatic processes, which of the following correctly represents? ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसे आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे एक्सपेंशन की बात हो मैं आपको दोनों बता देता हूं यहां फिलहाल एक्सपेंशन के बारे में पूछा गया है लेकिन मैं आपको एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन दोनों बता दूंगा यहां फिलहाल एक्सपेंशन की बात की गई है यानी कि आप एक गिवन स्टेट से प्रेशर को डिक्रीज और वॉल्यूम को इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं आइसोबारिक ये जाएगा आइसो थर्मल ये जाएगा एडियाबेटिक ये जाएगा और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच में होगा पॉलीट्रॉपिक अगर एन की वैल्यू वन और गामा के बीच में है तो एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक जिसमें

तो बहुत क्लियर है कि अगर फाइनल वॉल्यूम सबका मैच कर रहा है V2 तो आइसोबारिक के अंडर में सबसे ज्यादा एरिया है आइसोबारिक के अंडर में सबसे ज्यादा एरिया है अगर आप देखें तो एडियाबेटिक के अंडर में सबसे कम एरिया है एडियाबेटिक के अंदर में ये सिर्फ येलो वाला एरिया मिलेगा हमें लेकिन जब आप पॉलीट्रॉपिक देखेंगे तो ये येलो वाले एरिया के साथ साथ ये ग्रीन वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा आप सभी को मालूम है वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व। एंड देन यू आर गोइंग टू जब आप आइसोथर्मल को देखेंगे तो जब आप आइसोथर्मल को देखेंगे तो ये ब्लू वाला एरिया भी उसमें ऐड हो जाएगा और फाइनली जब आप आइसोबारिक देखेंगे तो ये रेड वाला एरिया भी उसमें ऐड हो जाएगा तो बहुत ही क्लियर है दैट बहुत ही क्लियर है कि एडियाबेटिक आपको सबसे कम वर्क दे रहा है उससे ज्यादा वर्क दे रहा है आपको पॉलीट्रॉपिक और उससे भी ज्यादा वर्क दे रहा है आपको आइसोथर्मल और उससे भी ज्यादा वर्क दे रहा है आपको आइसोबारिक लेकिन अगर यही कंप्रेशन का प्रॉब्लम होता अगर इसी प्रॉब्लम में गैस को सेम फाइनल वॉल्यूम तक कंप्रेस किया गया होता दोस्तों यहां से आप स्टार्ट करेंगे एंड प्रेशर बढ़ाएंगे और वॉल्यूम कम करेंगे कंप्रेस करने का मतलब प्रेशर बढ़े और वॉल्यूम कम हो प्रेशर बढ़े और वॉल्यूम कम हो तो आइसोबारिक ऐसा दिखता आइसोथर्मल नीचे रहेगा फ्लैट रहेगा एडियाबेटिक वर्टिकल सा दिखेगा एडियाबेटिक वर्टिकल सा दिखेगा और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच में दिखेगा पॉलीट्रॉपिक अब आप अब आप अगर देखेंगे तो इट्स वेरी क्लियर दैट आइसोबारिक के अंडर आइसोबारिक कंप्रेशन प्रोसेस में आपको कम से कम वर्क देना पड़ेगा लेकिन अगर वही कंप्रेशन प्रोसेस आप आइसोथर्मली एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको इस येलो के साथ साथ ये ग्रीन वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा और दोस्तों अगर आप ये ग्रीन वाला एरिया अगर आप ये पॉलीट्रॉपिक देखते हैं तो ये ब्लू वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा और फाइनली अगर आप एडियाबेटिक देखते हैं तो आपको ये रेड वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा ये पूरा का पूरा सिस्टम ये पूरा का पूरा हाईराकी उल्टा हो जाएगा आइसोबारिक बारिक सबसे कम वर्क इनपुट चाहिए उसे अगर आइसोबारिकली बारिकली कॉम्प्रेस कर रहे हो ये थोड़ा वियर्ड है क्योंकि आप बोलोगे सर कॉम्प्रेस फिर कॉम्प्रेस करना कैसे हुआ कॉम्प्रेस करना मतलब वॉल्यूम तो स्किल आप कम कर रहे हो ना तो कॉम्प्रेस उस सेंस में आप उसे कह सकते हो कि कॉम्प्रेस किया वॉल्यूम आप स्टिल कम कर रहे हो तो उस सेंस में आप कह सकते हो कॉम्प्रेस किया हाँ आइसोथर्मल में थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कॉम्प्रेस करते समय हाँ याद रखना ये दोनों ही कॉन्क्लूजन सेम इनिशियल स्टेट और सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए वैलिड है सेम इनिशियल स्टेट एंड सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए यह पूरा डिस्कशन वैलिड है सेम इनिशियल स्टेट एंड सेम फाइनल वॉल्यूम तो आइसोथर्मल में थोड़ा ज्यादा वर्क इनपुट देना पड़ेगा पॉलीट्रॉपिक में थोड़ा और ज्यादा वर्क इनपुट देना पड़ेगा और एडियाबेटिक में थोड़ा और ज्यादा वर्क इनपुट देना पड़ेगा बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों मुझे ज्वाइन करने के लिए कल के टारगेट्स मैं आपको बता देता हूं आज हम लोग इस तो फ्लो प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं सो आई रिग्रेट फॉर दैट कल हम लोग फ्लो प्रोसेस फर्स्ट लॉ फॉर फ्लो प्रोसेस भी करेंगे और पूरा सेकेंड लॉ एंड एंड करेंगे और थर्मोडाइनमिक रिलेशन तो कल का टारगेट रहेगा फर्स्ट लॉ फॉर फ्लो प्रोसेसेस फर्स्ट लॉ फॉर फ्लो प्रोसेसेस एंड कल का टारगेट रहेगा पूरा का पूरा सेकेंड लॉ एंड कल का टारगेट रहेगा पूरा एंड्रापी अवेलेबिलिटी एंड इन रिवर्सिबिलिटी एंड ऑफकोर्स थर्मोडाइनमिक रिलेशन कंप्लीट द होल थिंग रिलीजियसली पूरा रिवाइज करो अच्छे से रिवाइज करके आओ और हम लोग आसाम के बागानों से चुने हुए बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे ठीक है मिलते हैं सर कल फिर से एक बार दोपहर में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद